हेलो फ्रेंड, मेरा नाम भुवनेश शर्मा, आप मेरे चैनल देख रहे हैं माय चॉइस प्रॉपर्टी। आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं। हो सकता है आज तक आपने नोएडा एक्सटेंशन के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं देखा होगा इसका, क्योंकि आपको यूट्यूब पर भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। आज फर्स्ट यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो देखने वाला है। आज हम फुल रिव्यू करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी को लेकर के। ये गौर का प्रोजेक्ट आ जाता है, गौर मलबरी मैंशंस के नाम से ये प्रोजेक्ट है, जिसकी लोकेशन बात करें सेक्टर 1 की, ये लोकेशन आ जाती है। एक प्रीमियम चीज़ आ जाती है, अगर इसके स्टार्टिंग प्राइजिंग की बात करते हैं तो 32 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग प्राइज है। ये मलबरी मैंशन आ जाते हैं गौर के, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंटर करते ही आपको कुछ काफ़ी बड़ा गेट देखने को मिला था, एंट्रिंग इसकी काफ़ी अच्छी दी हुई थी। उसके बाद हम चल रहे हैं टनल में होकर के इसकी एंट्री आगे के लिए। अगर हम टोटल इसके लैंड की बात करते हैं तो 7 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ प्रोजेक्ट आ जाता है। तो हम इस वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको रिव्यू करने वाले हैं, किस किस ने ये प्रॉपर्टी ली है एंड इसके अंदर क्या होता है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, सारे आज हम इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पूरा हमारा ये प्रोजेक्ट आ जाता है 7 एकड़ के अंदर, जिसके अंदर ग्रीन एरिया आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं पार्क एरिया हो गया। एंड एंटर करते ही आपको जैसा मूवी में दिखाया जाता है, आपका ड्रॉपिंग एरिया होता है, मैन एंट्री होते हैं, बंगले होते हैं, जैसे बंगले हवेली बोलते हैं, सेम वही चीज़ आपको देखने मिलने वाली है। इसके अंदर ज़्यादातर शूटिंग होती है सेक्टर 1 की लोकेशन में आता है, जो कि 1 बन करके कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर ज़्यादातर शूटिंग चलती रहती है। कुछ टाइम पहले अमिताभ बच्चन जी आए थे, अर्जुन कपूर जी आए थे, और यहाँ पे काफ़ी लोग आते रहते हैं, शूटिंग वगैरह होती रहती है। यहाँ पे करण जौहर भी आ रखे हैं, मतलब काफ़ी मल्टीपल हीरो आए हैं। शूटिंग आपको 2-4 दिन में शूटिंग देखने को आपको इसके अंदर मिल ही जाती है। अगर इसके शूटिंग की भी प्राइस की बात करें तो 2 लाख रुपए पर डे के हिसाब से इसके अंदर शूटिंग होती है। अदरवाइज आप देखेंगे काफ़ी अच्छा ग्रीन एरिया बनाया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं ये आपकी झील बनाई हुई है। तो काफ़ी अच्छी आपको चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी। प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ अच्छी जगह एकदम ग्रीन एरिया में आ चुका हूँ, कि वहाँ पर कोई ना रोड ना कुछ, एकदम शोर शराबा बिल्कुल ख़त्म, पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी आपको, और काफ़ी ग्रीन एरिया आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आज हम गौर मलबरी मैंशन के अंदर आपको बेडरूम एंड ड्राइंग रूम किस हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। मलबरी मैंशन आपने बाहर से तो काफ़ी टाइम देखा होगा, काफ़ी बार आपने बाहर से होते हुए ये चीज़ें देखी होंगी, बट अंदर से अभी तक आप घूमे नहीं होंगे। मेरा भी फर्स्ट डे है, मैं भी फर्स्ट टाइम इसके अंदर आया हूँ, आज से पहले मैं भी नहीं आया था, तो मेरे को भी आइडिया नहीं था क्या क्या चीज़ होती हैं। जब देखा, जब पता चला इसके अंदर क्या खासियत है, क्यों बड़े बड़े लोग ऐसी गौर मलबरी या मलबरी के अंदर या हवेली के अंदर कोठी के अंदर रहते हैं, तो वो सारी चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी तक दिखाया है, पूरा टनल बेस बनाया हुआ है एंट्रिंग एरिया, तो वहाँ से आप एंटर करके आपको पार्क एरिया देखने को मिलता है, गार्डन एरिया आपको देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें मिलती है। एंड ये इसका फ्रंट रहेगा, तो जैसा काफ़ी आपने मूवियों के अंदर भी देखा है, बंगले होते हैं तो कुछ इस टाइप के बंगले आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी शूटिंग वगैरह होती हैं तो आपने इसी टाइप की चीज़ें देखी होंगी। तो सेम उसी टाइप का आपको ये मलबरी मिलने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रीन एरिया आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, लाइटिंग काफ़ी अच्छी की हुई है, और आपका ये झील वगैरह हो गई, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं। ये आप देख रहे हैं शेटिंग एरिया बनाया हुआ है, तो बाहर से कुछ व्यू इस टाइप का आता है। तो अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा देखने में लग रहा है, हो सकता है कैमरे के अंदर इतना अच्छा आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर आप एक्चुअल में आकर के साइट विजिट करके आप चीज़ें देखेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें लगेंगी, आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन की हुई है, जो बनाया हुआ है, जो लेआउट बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा आपको देखने को लगेगा और काफ़ी अच्छी चीज़ें लगेंगी। जैसा आप मूवी के अंदर देखते हैं, गाड़ियाँ आते, गाड़ी एकदम मेन गेट पर रुकती हैं, कुछ इस टाइप का आपने देखा होगा, तो सेम इसी टाइप की आपको चीज़ें मिलने वाली हैं इसके अंदर। पूरा आपको एक लग्जरी लाइफ स्टाइल वाला फील आने वाला है, जैसा बड़े बड़े लोग रहते हैं तो बिल्कुल वैसा फील आने वाला है इसके अंदर।
एंटर करते ही आपको कुछ 30 से 35 फीट के आपको हाइट का ये आपको एंट्री एरिया दिखाई देगा, यानी कि लॉबी एरिया दिखाई देगा। इसमें आपको रिसेप्शन एरिया भी दिखाई देगा। तो एंटर करते ही हमारा कुछ इस टाइप का आपको एरिया देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको शूटिंग भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर अब आपने देख लिया आज से पहले ये यूट्यूब पर वीडियो नहीं था, तो इसलिए हमें आइडिया नहीं लगता है। ये वाला आप वीडियो देख करके आप देखेंगे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड ये कुछ इस टाइप का आपका पूरा रिसेप्शन एरिया रहेगा और आपका ये लॉबी एरिया हो गया। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें आ जाती हैं। झूमर वगैरह एकदम आपको रॉयल फील आने वाला है। अगर आप इसके अंदर आते हैं, आप चीज़ें देखते हैं, तो आपका जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। गोल है एक अल्ट्रा लग्जरी, से तो लग्जरी से भी ऊपर चीज़ जो होती है वो बनाई हुई है। तो आप चीज़ देखेंगे तो आपको देखते ही पसंद आ जाएगी, एक बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। अगर गॉड बिल्डर की बात करते हैं कि ये रेपुटेड बिल्डर आ जाते हैं, जिन्होंने नोएडा एक्सटेंशन की स्टार्टिंग में इन्होंने गॉड सिटी के नाम से पहले ये चार मूर्ति हुआ करता था, आज की डेट में गॉड चौक बन चुका है। तो लैंडमार्क गॉड सिटी ने स्टार्ट किया, पूरा नोएडा एक्सटेंशन गॉड सिटी ने बसाया। सबसे पहले स्टार्टिंग गॉड सिटी से हुई थी। 250 एकड़ के अंदर टाउनशिप बनी हुई है पूरी गॉड सिटी की। आपका आपको 1 एवेन्यू से लेकर के 14 एवेन्यू तक आपको सोसाइटी देखने को मिल जाती है। गौर मॉल हो गए वो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद ये भी 250 एकड़ की टाउनशिप है जिसके अंदर गौर मलवरी मैंसन बना रहे हैं। तो अल्ट्रा लग्जरी आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। ये आप देखते हैं पूरा आपका ड्राइंग रूम आ जाता है, जैसा मूवी में देखते हैं सेम उसी टाइप की आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर ये सेटअप वगैरह लग रहा है, ये भी शूटिंग का काम चल रहा है इसके अंदर। तो सामने आप देखेंगे स्टेयर्स आ जाते हैं। एंड इसके अंदर अगर मैं बेडरूम की बात करूँ तो 4 से 5 बेडरूम इसके अंदर आ जाता है, प्लस सर्वेंट रूम भी दिए हुए हैं, कुछ छोटे छोटे बेडरूम भी इसके अंदर दिए हुए हैं। तो मैं आपको आज मेन बेडरूम दिखाने वाला हूँ। तो ये आपका किचन रहेगा जैसा कि आप देख रहे हैं, सेम मूवी में जो देखते हैं उसी टाइप की आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम आ चुके हैं टॉप फ्लोर पर। तो ऊपर के फ्लोर पर इसके अंदर पूरा रूफ दी हुई है, कुछ आपको देखने का ऊपर से व्यू कुछ इस टाइप का आएगा। ये आपका पर्सनल स्विमिंग पूल आ जाता है, जैसा आप देख रहे हैं पूल पूरा गिटार शेप में पूल बनाया हुआ है इन्होंने। तो आइए चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। जैसे आप फर्स्ट बेडरूम में एंटर करेंगे तो कुछ आपको इस टाइप का लेआउट आपको देखने को मिलेगा। कुछ अंदर जो मॉडिफिकेशन की हुई है कुछ आपको इस टाइप की देखने को मिलेंगी। इसका जो इंटीरियर क्या हुआ है काफ़ी प्यारा आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी की हुई है इसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर हम इसके हाइट की बात करें तो करीब करीब 20 फीट की जो सीलिंग हाइट दी हुई है वो आपकी हाइट आ जाती है। तो हाइट भी एकदम रॉयल हाइट दी हुई है। अगर मैं बात करता हूँ इसके बेडरूम की तो बेडरूम का साइज काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। तो ऐसे अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही टफ है क्योंकि काफ़ी बड़ा आपको बेडरूम देखने को मिलेगा। ये आपका किंग साइज का बेड डला हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आपकी 2 सोफे लगे हुए हैं। एंड अगर इसके मैं डोर की बात करूँ तो 10 फीट का तो आपको गेट देखने को मिल जाता है। ये आपका पूरा का पूरा ड्रेसिंग एरिया आपको देखने को मिल जाता है एंड वॉशरूम अटैच आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपके वॉशरूम आ जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो वॉशरूम भी एकदम लाइटिंग से लेकर के डिजाइनिंग से लेकर के काफ़ी अच्छे डिजाइनिंग की हुई है वॉशरूम के अंदर भी एंड बेडरूम के अंदर भी। तो बेडरूम जितना अच्छा ये देखने में लाइटिंग वगैरह से लगता है, इतना अच्छा आपको शायद कैमरे में नहीं देखने को मिल रहा होगा क्योंकि इसकी जो बात की हुई है बिल्कुल ही अल्ट्रा लग्जरी, अलग ही फील आने वाला है। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है। सेकंड बेडरूम में एंटर करते हैं तो कुछ आपको इस टाइप का व्यू देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख रहे हैं। आपने हो सकता है आज से पहले काफ़ी ये वेब सीरीज वगैरह में भी शूटिंग हो रखी है, उसमें आपको देखने को मिला होगा। गाने भी शूट हुए हैं उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा एंड मूवी के अंदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं।
तो इसकी जो शूटिंग प्राइस दिया हुआ है 2 लाख रुपये पर डे के हिसाब से इसके अंदर शूटिंग चलती है। तो सामान भी आपका काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं वॉल पेपर वगैरह हो गए, फॉल सीलिंग हो गई, झूमर वगैरह हो गए, लाइटिंग हो गई, पर्दे हो गए, ये सारी चीज़ आपको एक अलग ही फील देती हैं। एंड ये आप देख रहे हैं, ये आपका वॉशरूम आ जाता है। तो वॉशरूम आपको कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड लाइटिंग का हर जगह ध्यान दिया हुआ है इन्होंने, तो पूरे सेंसर वाली लाइटिंग आ जाती है इसके अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा मूवी में दिखाया जाता है सेम उसी टाइप की आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सामने आपके पूरे गिलास लगे रहेंगे। ये आपका थर्ड बेडरूम आ जाता है। अगर इस बेडरूम की हम साइज की बात करते हैं तो साइज काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। एंटर करते ही आपको वॉशरूम इसके अंदर फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। लाइटिंग वगैरह इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे से लाइटिंग की हुई है, तो इस टाइप का आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसका कुछ लेआउट बनाया, कुछ अलग ही टाइप का लेआउट बनाया हुआ है। फॉल सीलिंग वगैरह की हुई है, बिल्कुल ही अलग की हुई है। अगर कुछ कुछ हम बात करें तो इसके अंदर एंटर करते आपको कुछ अगर मैं बात करूँ तो जैसे इसके अंदर जहाज टाइप का फील आने वाला है, जैसे बोट टाइप के ये बनाए हुए हैं, बेड बनाए हुए हैं। तो काफ़ी एक अलग ही यूनिक इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला है। ये यूनिक तरीके से इन्होंने बेड हो गए आपका बेडरूम अलग ही तरीके से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। तो इसके अंदर इतना देखते कुछ अलग ही अल्ट्रा, या मैं क्या बताऊँ, मैं मेरे पास खुद शब्द नहीं बचे इसके अंदर बताने के लिए कि कैसा फील हो रहा है। आज तक इससे पहले मैंने इसका नाम ही सुना था, बट आया आज तक नहीं था, तो इसलिए आइडिया नहीं लगता था कि इस टाइप की ये चीज़ें होती हैं, कैसे बना करके देते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम हम आए हैं, इसके अंदर चीज़ें देख रहे हैं, तो आइडिया बिल्कुल लगा नहीं पा रहे कि इस टाइप की भी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। तो जो लोग वग रहते हैं इसके अंदर तो उनको आइडिया होगा, बट ऐसी चीज़ मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हो सकता है आप में ऐसे काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि फर्स्ट टाइम गौर मलवरी मैंसन देख रहे हैं, जो विला हवेली होती हैं, तो कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छे से वैसे इसे डिजाइन किया हुआ है इन्होंने, काफ़ी अच्छे से चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वॉशरूम से लेकर के बेडरूम से लेकर के सारी चीज़ें अलग ही लेवल की बनाई हुई हैं। ये आपका मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं इसको। तो इन्होंने मास्टर बेडरूम जैसा आप देख रहे हैं बेड अलग ही डिजाइन किया हुआ है, पीछे की जो वॉल है वो अलग ही डिजाइन की हुई है इन्होंने। एंड जो फॉय सीलिंग है, ऊपर की जो सीलिंग दी हुई है उसमें लाइटिंग वगैरह काफ़ी वार्की से लाइनिंग वगैरह, एंड जो नीचे आप देख रहे हैं फ्लोरिंग हो रखी है उसके अंदर भी लाइटिंग की हुई है। तो आप देखेंगे जैसे वाइट कलर की जो लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी उसके अंदर भी लाइटिंग की हुई है। तो काफ़ी बारीकियों से चीज़ें इसके अंदर की हुई हैं, आधी से ज़्यादा चीज़ कुछ इस टाइप की होंगी जो मैं आपको नहीं बता सकता, मेरे को शायद खुद पता नहीं है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एडवांस लेवल की लगाई हुई हैं। तो इसलिए गौर की अगर हम बात करें, गौर मलवरी मैंसन की, तो काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, काफ़ी अच्छा ग्रीन एरिया आपको देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर साइजेस भी काफ़ी बड़े दिए हुए हैं। 7 एकड़ के अंदर ये बना हुआ है पूरा, जैसा कि आपने देख ही लिया है। ड्रॉपिंग एरिया काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। एंटर करने के बाद आपको काफ़ी चल कर के आना पड़ेगा, उसके बाद में ये आपके बंगला स्टार्ट होता है। तो मैंने एंट्री काफ़ी दूर दी हुई है, उसके बाद में आपका पूरा गार्डन एरिया दिया हुआ है। उसके जस्ट बगल में अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा स्विमिंग पूल एरिया आ जाता है, पार्टी हॉल आ जाता है, पार्टी वगैरह कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये गिटार टाइप की शेप में ये आपका पूल बनाया हुआ है, पूल का डिजाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अगर हम बात करें तो डिजाइन भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड बाहर का जो एलिवेशन है काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, ग्रीन प्रॉपर ग्रीन एरिया का ध्यान रखा हुआ है, पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा लगाए गए हैं इसके अंदर। तो अगर मैं बात करता हूँ एक फील की, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इसके अंदर आकर के। अगर आप भी आकर के चीज़ें देखते हैं तो आपका भी जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें लगाई हुई हैं। फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ मैंने आपके सामने दिखाई है, तो हो सकता है आपने भी, काफ़ी लोग ऐसे होंगे आज से पहले चीज़ें देखी नहीं होंगी।
तो इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम इसके प्राइजिंग की बात करते हैं तो 32 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग प्राइज है, 32 करोड़ रुपए से ये स्टार्टिंग है। तो आपको चीज़ों का तो आइडिया होगा किस लेवल की ये चीज़ें बननी है। ये आप देख रहे हैं, ये मीटिंग रूम बोल सकते हैं या इसे हॉल बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये अलग से बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसमें स्क्रीन लगी हुई है। तो सारी चीज़ें आपको अलग लेवल की देखने को मिल जाती हैं। एंड ये वॉशरूम दिए हुए हैं, मेल एंड फीमेल वॉशरूम अलग अलग दिए हुए हैं। ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं गौर मलवरी मैंसन के अंदर। जैसे कि आपने आपको मैं वीडियो दिखाया है, हो सकता है आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ में आई होंगी इसके अंदर, एंड आपने भी काफ़ी इन्जॉय करा होगा इस वीडियो को देख करके। और हमारे नोएडा एक्सटेंशन में कैसे कैसे चीज़ें बननी है, किस किस लेवल की चीज़ें बननी है, किस प्राइस में चीज़ें बननी है, तो हो सकता है आपको एक आइडिया लग गया होगा किस लेवल की चीज़ें बना करके दे रहा है बिल्डर। और नोएडा एक्सटेंशन आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, जैसे कि इसके अंदर आपको चीज़ें एक रेपुटेड बिल्डर, अलग अलग बिल्डर आपको देखने को मिल जाते हैं, सैजेस भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, प्लस आपको गौर का ये मलबरी मैंसन देख कर भी आपको आइडिया लगा होगा। अगर आप शूटिंग प्लान कर रहे हैं या गाने की शूटिंग वगैरह आप करना चाहते हैं इसके अंदर, तो आप वो भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गौर मलबरी मैंसन। अदरवाइज इसके अलावा और भी कुछ कह रही हो तो स्क्रीन पे नंबर सुरक्षा। जब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।